हर साल की तरह इस साल भी लालबाग के राजा ने धर्मज्योति चैनल को बुलाया अपने चरणों में। गणेश उत्सव का पहला दिन है, आप देख रहे हैं अभी दिन की शुरुआत हुई है और शुरुआत होने के साथ ही यहाँ पब्लिक बढ़ते जा रही है, भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। हर साल की तरह गणपति बप्पा का इस साल का भी रूप बहुत ही मनमोहक है। चूंकि ये मन्नत के गणपति माने जाते हैं इसलिए यहाँ पर पहले दिन से ही भक्तों की इतनी बड़ी संख्या यहाँ आती है और बप्पा के दर्शन प्राप्त करती है। पहली झलक बप्पा की आप देख सकते हैं। से यह परंपरा शुरू हुई और तब से लेकर अभी तक ये परंपरा कायम है। गणपति बप्पा के दर्शन पाने के लिए भक्तों की संख्या हर साल बढ़ते ही जा रही है। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गणेश उत्सव का पहला दिन है, गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ है और लालबाग के राजा पूरे भारत में मशहूर है। ये तो करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थल है और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ यहाँ लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आई है। हर भाविक का अच्छी तरीके से दर्शन करना, यही हमारी सेवा 10 दिन चलती रहेगी। तो ये प्रशासन का किस तरह से आपको साथ मिलता है क्योंकि पब्लिक तो आज ही लाखों की तादाद में आई हुई है? तो पुलिस प्रशासन और मुंबई महानगर पालिका पूरा प्रशासन हमको सहयोग दे रही है और उसकी वजह से कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन सब मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छी तरीके से सब हो रहा है। जो लालबाग के राजा की मूर्ति की विशेष विशेषता है, ऐसी क्या खासियत है इस मूर्ति में कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? ये तो कांबड़ी की बना दे, कांबड़ी मूर्तिकार है और ये मन्नत का गणपति है और माने जाते हैं 85वां साल है और यही मूर्ति की बहुत साल से 40 साल से ऐसी ही मूर्ति बनते आ रही है और उसके बापा अभी यहाँ लोग आते हैं तो लोगों को कुछ ना कुछ अनुभव मिलता होगा, इसलिए यहाँ लोग आते हैं। चल, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, तो उन चढ़ावों का ये ट्रस्ट ऐसा क्या करती है? मतलब बहुत सारा सामाजिक योगदान है, डायलिसिस सेंटर है, उसके बाद रुग्ण सहाय निधि योजना है, UPSC IAS ऑफिसर IAS IPS सेमिनार चलते हैं, स्टडी रूम है, सानी गुरु जी अभ्यासिका है, स्वतंत्र वीर सावरकर जनता है, बहुत सारी चैरिटी इस चढ़ावे के द्वारा चलती है। लास्ट ईयर हम लोगों ने महा ब्लड डोनेशन कैंप किया था जिसमें 15,248 बॉटल जमा हुए थे, ऐसे विशेष काम चलते ही रहते हैं। गणपति बप्पा की तरफ से ऐसा संदेश जो हर मानुष के लिए हो, तो हम लोगों ने दिखाया है कि एनवायरमेंट के हिसाब से संदेश दे रहे हैं कि अगर जंगल रहेगा ये रहेगा एनवायरमेंट तो सृष्टि रहेगी, यही संदेश हम देना चाहते हैं।